नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर वी यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ कमाल की बढ़िया टेक न्यूज। तो मेरा नाम है भानु प्रताप और वी न्यूज देख रहे हैं आप। पहली जो न्यूज आती है वो आती है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी की तरफ से। यहाँ पर जो 2018 बिल है उसमें यहाँ पर जो है कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया गया है 15% से 20% कर दिया गया है, जो कि बाहर से फोन असेंबल होके या बाहर से जो पार्ट्स आते हैं उनको उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी को 5% और बढ़ा दिया गया है, ताकि यहाँ पर जो है मोबाइल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जा सके। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पर जो इंडिया में अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी इससे, तो डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है। सबसे पहले न्यूज़ और मेरी पर्सनल फेवरेट है। फ्रेंड्स, यहाँ जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है ओप्पो A71 की तरफ से, जो कि सितंबर 2017 में लॉन्च हुआ था, लेकिन यहाँ पर 2018 एडिशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 2GB की रैम और 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। लेकिन आप सोचेंगे इसमें न्यूज वाली क्या बात, तो यहाँ पर खास बात इस फोन में ये है कि यहाँ पर जो है AI पावर्ड फ्रंट कैमरा होगा, जिससे कि आप जो है फ्रंट में ब्यूटी वाले मूड को और जो फ्रंट में बोके इफेक्ट वाला जो फोटो आप लेते हैं वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया आए। तो देखते हैं यहाँ पर AI पावर्ड फ्रंट कैमरा ओप्पो का A71 में कैसा होता है। तो यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है युवावे की तरफ से। तो डेफिनेटली युवावे पी सीरीज जो एक फ्लैगशिप सीरीज है, उसमें P20 जो लाइनअप है वो डेफिनेटली जो नाम है उसका वो ऑफिशियल हो चुका है। यहाँ पर जो नाम P11 नहीं होगा, P20 होगा, और ये जो है वो लॉन्च होगा पेरिस में 24 मार्च को। ये जो है मतलब एक तरह से युवावे ने मीडिया को मैसेज सेंड करना भेज शुरू किया था। तो यहाँ पर P20, P20 Lite और P20 देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली P20 लॉन्च होगा 24 मार्च को, तो इंतजार रहेगा फोन का, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ AI पावर्ड बैक कैमरा होगा, जिसमें कि मैक्सिमम एक कैमरा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 40 मेगापिक्सल का। कार जाइस ऑप्टिक्स के साथ टाइप किया है युवा ने, देखते हैं क्या कमाल करेगा। जो अगली न्यूज आती है बहुत ही गूगल की तरफ से। यहाँ पर जो गूगल फ्लाइट्स है, जैसे कि आप जो फ्लाइट्स वगैरह के ऊपर पता करते हैं कौन सी डिले हुई कौन सी नहीं, तो यहाँ पर एयरलाइंस के ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन से पहले यहाँ पर जो गूगल फ्लाइट है वो आपको बता देगा कि आपकी जो फ्लाइट है वो डिले कब होगी, कितनी डिले होगी, और डेफिनेटली आपको जो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। यहाँ पर जो है गूगल यूज़ करने वाला है मशीन लर्निंग को, और डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर मतलब पहले से पता होगा तो डेफिनेटली यार यहाँ पर टाइम को जो है आप मैनेज कर पाएंगे, बहुत अच्छी बात होगी। तो यहाँ जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है रिलायंस जियो की तरफ से। तो यहाँ पर जो है बात कुछ ऐसी है कि प्ले स्टोर पर बहुत सारे जियो कॉइन के नाम से जो एप्लीकेशन है वो देखने को मिलते हैं। जियो कॉइन जो है वो जियो ने लॉन्च किया था 100 रुपये में, ऐसी न्यूज़ थी। खैर तब मैं न्यूज़ नेट टेक न्यूज़ नहीं बनाता तो इस वजह से मैं नहीं बना पाया था, लेकिन यहाँ पर जियो कॉइन जो है जियो ने लॉन्च किया है। लेकिन यहाँ पर प्ले स्टोर में कोई भी एक ऑफिशियल ऐप नहीं है जियो का जो कि जियो कॉइन के बारे में कुछ आपको बताता हो, लेकिन यहाँ पर 2 दर्जन से ज़्यादा ऐप्स जो थे जो जियो कॉइन के नाम से चल रहे थे। तो यहाँ पर जो है जियो ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पर हमारा कोई ऑफिशियल ऐप नहीं है, इनसे धोखा मत खाइए, ये स्पैम ऐप्स हैं, डेफिनेटली मेलिशियस ऐप्स हैं, इन्हें आप यूज़ मत कीजिए, और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल जियो फोन का जियो का ऐप नहीं है जियो कॉइन से रिलेटेड। तो यार कोई एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, और जब ये लॉन्च होगा तो डेफिनेटली यार जियो के पास बहुत पैसा होगा, जियो एडवर्टाइजमेंट करेगा उस एप्लीकेशन का आपको डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि कभी जब भी वो कोई नई चीज़ लॉन्च करता है तो उसका यार भर भर के प्रमोशन करता है, भर भर के एडवर्टाइजमेंट देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो अगला अपडेट आता है वो आता है नोकिया 5 और नोकिया 8 को लेकर। तो यहाँ पर जो प्राइसिंग है इनमें बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट आया है। तो यहाँ पर जो नोकिया 5 था जो कि आपको देखने को मिलता था 13,499 का, तो वहाँ पर जो आपको फ्लैट 1,000 रुपये कम मिलेंगे, यानी 12,499 का मिलेगा, और हैवी डिस्काउंट जो है जो हैवी प्राइस ड्रॉप है वो आपको देखने को मिलते हैं नोकिया 8 पर, जो कि सबसे पहले आपको देखने को मिलता था 36,999 का, वो अब हो गया है 28,999 का, यानी यहाँ पर सीधे सीधे 8,000 का प्राइस में फर्क आया है। तो अगर आप सोच रहे थे नोकिया एक बढ़िया फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेने को, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं नोकिया 8 के साथ। तो यहाँ जो एक नया अगली न्यूज़ आती है वो आती है इन्फिनिक्स की तरफ। तो यहाँ पर जो इन्फिनिक्स है उसका एक नया फ़ोन जो सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन है वो लॉन्च होने वाला है इंडिया में, हालांकि ये शायद उसकी एस सीरीज़ जो हो सकती है, तो डेफिनेटली इसका इंतजार रहेगा। हालांकि इसके बारे में कोई ज़्यादा पता नहीं है। फ्रंट कैमरा आपको सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ शायद डुअल कैमरा और LED फ्लैश डुअल टोन फ्रंट में ही मिले। तो डेफिनेटली यार इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर जो चाइनीज़ कंपनी है ऑनलाइन ही देखती है, यहाँ पर ऑफलाइन आपको ये फोन देखने को नहीं मिलते हैं।
फ्रेंड यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है यूएफएस 3.0 यानी कि यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज के बारे में। तो यहाँ पर जो था सबसे लेटेस्ट जो थी पहले वो थी यूएफएस 2.1 स्टोरेज जो स्मार्टफोन में यूज की जाती है, लेकिन अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है UFS 3.0 टेक्नोलॉजी, जिससे कि जो आपके प्रीवियस वाली जो टेक्नोलॉजी थी उससे दुगनी चीजें ज्यादा स्पीड होने वाली। जो प्रीवियस स्पीड थी वो थी आपकी 1.2 GB/s की, लेकिन अब आपको स्टोरेज स्पीड आपके स्मार्टफोन में मिलने वाली है 2.9 GB/s की। तो रेमोलिटी यहाँ पर जो बैंडविड्थ है उसे डबल कर दिया गया, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको फ्लैगशिप में बहुत बढ़िया देखने को मिलने वाली है। जो लास्ट न्यूज आती है वो आती है दोबारा से हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली की तरफ से। तो यहाँ पर जो है बजट 2018 में उन्होंने बताया पूरे देश को कि जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का यूज़ है उसे वो एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के यूज़ करके ट्रांजेक्शन करने वाली चीज़ों को जो है नहीं मानती है ऑफिशियल या उसे लीगल नहीं मानती। तो डेफिनेटली यार यहाँ पर मतलब थोड़ी बहुत मुश्किल होने वाली है इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर, देखते हैं आगे और क्या होता है। फ्रेंड्स ये थी आज की टेक न्यूज, आई होप आपको इस टेक न्यूज में मजा आया होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जल्दी यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाल लाल सब्सक्राइब बटन मिले हमारे से मेरे चैनल सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन से दबाने से होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप इस वीडियो मिस नहीं करेंगे। और डेफिनेटली आप मिसी मत किया कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस टेक्नोलॉजी न्यूज लेके आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।